नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल शी इज शरयु। आज का वीडियो है कुछ खास क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस सहजन यानी मोरिंगा लीव्स की सब्जी। मोरिंगा ये आजकल काफ़ी फेमस हो चुका है और इसके फेमस होने का राज है इसके खाने के अनगिनत फायदे। मोरिंगा को हम अलग अलग तरह से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मार्केट में ये कैप्सूल्स, टैबलेट्स या फिर पाउडर्स फॉर्म में अवेलेबल है। इसे खाने का सबसे सस्ता और पौष्टिक तरीका मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करना चाहूँगी और वो है इसके पत्तों की सब्जी। ये एक लीफी वेजिटेबल है और मार्केट में आपको करीब 20 रुपए में एक गड्ढी मिल जाएगी या फिर अगर आपके पास सहजन का पेड़ है तो सोने पे सुहागा। लेस इज मोर, तो हमें इस रेसिपी में लगेंगे मिनिमम इन्ग्रीडियंट्स। हमें लगेगा एक बड़ा सा प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ, लहसुन यानी गार्लिक, और आपको उसके साथ ही लगेंगी हरी मिर्चियाँ। अभी आप अगर मिर्च तेज़ खाते होंगे तो आप डार्क चिलीज़ यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे मिक्स चिलीज़ यूज़ की है। फिर आपको फर्स्ट स्टेप करनी होगी कि मोरिंगा की पत्तियों को अच्छे से तोड़ के साफ करके इसकी जो टहनी है आपको लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ वो थोड़ी बहुत रफ़ होती है और चूई टेक्सचर देंगी सब्ज़ी को। तो आप उसकी टहनियों को निकाल के उसकी पत्तियों को अच्छे से धो लो 2 से 3 बार। अब आपको एक कढ़ाई में तेल गरम करना है। यहाँ पे तेल मैंने करीबन 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच यूज़ किया है। अब हमें इसमें डालना है लहसुन की कलियों को छोटा छोटा काट के। उसके बाद हमें डालनी है इसमें हरी मिर्चियाँ। अभी हरी मिर्चियों को मैंने स्लिट करके डाला है ताकि जो स्पाइसी फ्लेवर है एनहांस होके आए। इसके बाद एक बड़ा सा प्याज जो हमने चॉप करके लिया है हम उसे डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई करना है। प्याज को जल्दी फ्राई करने के लिए हम डाल सकते हैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट, नमक, तो इससे फ्राई जल्दी हो जाएगा और गोल्डन ब्राउन भी प्याज बहुत जल्दी हो जाता है। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद अब बारी आती है इसमें डालने की मोरिंगा के पत्ते। अब ये जो मोरिंगा मैंने अच्छे से धो के लिया है इसे हम या तो रफली चॉप करके डाल सकते हैं या तो आप डायरेक्टली भी इसके पत्तों को, अगर आपको पसंद है एक टाइप का टेक्सचर, लीफी वेजिटेबल का टेक्सचर, सो यू कैन ऐड। अच्छे से हमें इन सारी चीज़ों को मिलाना है संभाल के कि ये कढ़ाई के बाहर ना आ जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे जगह लग कर रही थी, एक हाथ में फ़ोन पकड़ के और दूसरे हाथ में आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू नॉट मेक थिंग्स वर्स। अब इसके बाद हमें इसे ढक के छोड़ देना है। अभी ढक्कन के ऊपर अगर आप पानी डालेंगे तो इसका जो पकना है वो तेज़ हो जाएगा और इसको हम लोग छोड़ देंगे करीब करीब 15 से 17 मिनट तक। सो सेट योर क्लॉक इफ़ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद कुकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप पहली बार ये चीज़ बनाने जा रहे हो तो आप घड़ी को ठीक से देख लीजिए। 15 से 17 मिनट तक इसको अच्छे से आपको पकने देना है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही पक चुका है तो आप ढक्कन साइड में करके देख लीजिए कि इसका जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट लग रहा है या नहीं। इसके बाद हम इसके ऊपर, ये ऑप्शनल है, कम्प्लीटली ऑप्शनल, पर इससे फ्लेवर और टेस्ट काफ़ी एनहांस हो जाती है सब्ज़ी की। तो इसमें मैंने डाला है ग्रेटेड कोकोनट, ओके, तो ये एनहांस करेगा इसका फ्लेवर। ऑल्सो इसमें गुड क्वालिटी फैट्स होते हैं, सो इट्स ग्रेट इफ़ यू आर कंबाइनिंग द लीफी वेजिटेबल विद कोकोनट। अ डैश ऑफ कोकोनट विद ऑलवेज मेक इट मोर टेस्टी एंड यमी। महाराष्ट्रियन क्विजीन में हम लोग कोकोनट ऊपर से डालते हैं काफ़ी सब्जियों में, सो मैंने वही किया है। आप फ्लेम को एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सब्जी है बन के ऑलमोस्ट हो गई है, ऑलमोस्ट नहीं, इट्स डन। सो एन्जॉय, सर्व इट यम। अब मैं यहाँ पे कुछ मुद्रास करके दिखा रही थी भरतनाट्यम की, इसका भी एक वीडियो बना देती हूँ। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। ये जो है मोरिंगा की सब्ज़ी, आप किसके साथ पैरअप कर सकते हो, रोटी या फिर भाकरी, या फिर आप अगर साइड ड्रेसिंग ऐसे ही खानी है, किसी किसी को सब्जी ऐसे ही खानी पसंद है, तो यू कैन ऑलवेज कंज्यूम दिस सुपर फूड वेजिटेबल मोरिंगा एंड हैव इट्स मैक्सिमम बेनिफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ लेस देन अ वड़ा पाव। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अंटिल देन, पीस एंड लव फ्रॉम शरयू।